कितने लोग इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि आप लोगों को कॉलेज की क्लासेस करनी है आप लोगों को कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स भी लिखने हैं आप लोगों को कॉलेज के असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं ये क्या हर्डल है आप लोगों के लिए ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं क्या फॉर योर गेट एंड ई सी प्रिपरेशन क्या आपको लग रहा है कि ये 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 चीजें बीच में आ रही हैं डू यू फील ऑल दीज थिंग्स आर डिस्टर्बिंग यू एंड इसीलिए जो मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट इज द रीजन वाई आई टोल्ड यू एट मंथ स्ट्रेटजी वेयर यू नीड टू गिव टेन आवर्स पर डे नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजन बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजनोर्स देखो यू आर इन सेकेंड ईयर आपको कॉलेज अटेंड करना ही करना है आपको एग्जाम भी लिखने में ऐसा नहीं बोल सकता कि आप एग्जाम मत लिखो ऐसा कैसे पॉसिबल यू हैव टू राइट द एग्जाम साल्सो तो कितने लोग इस वजह से हर दिन दस घंटा गेट की तैयारी को नहीं दे पा रहे मुझे एक बार ये ये बताओ ये है क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है इन रियलिटी दिस इज द प्रॉब्लम है मुझे मुझे समझाओ बिल्कुल अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है एकदम मुझे क्लियरली बताओ ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है अब सुनना बेटा जो लोग अभी सेकंड ईयर में हैं ध्यान से सुनना सेकंड ईयर में है ध्यान से सुनना. सुनना आप लिखेंगे आपका गेट एग्जाम बी राइटिंग योर गेट एग्जाम इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वेन यू आर इन थर्ड इयर याद रखना बेटा वट एवर द गेट रैंक देखो गेट का एग्जाम लिखने के दो रीजन होते हैं अगर आप गेट का एग्जाम लिख रहे हैं तो यू मस्ट बी हैविंग टू रीजन्स वन इज यू आर लुकिंग फॉर पी एस यूज अनदर इज यू आर लुकिंग फॉर हायर एजुकेशन अनदर इज यू आर लुकिंग फॉर हायर एजुकेशन बेटा याद रखना वट एवर द गेट रैंक यू आर गोइंग टू गेट आई एम टॉकउट सेकेंड मैं बात किससे कर रहा हूं सेकंड ईयर से और ही बात करूंगा समझने की कोशिश कर रहा हूं Those आर इन सेकंड ईयर रिमेंबर दे विल बी राइटिंग writing फर्स्ट first इन in 2022 when they are दे आर इन थर्ड ईयर याद रखना आपका थर्ड ईयर में जो भी गेट रैंक आएगा यू कैन नॉट गेट द Even you are इवन यू आर गेटिंग अंडर हंड्रेड रैंक यू कैन नॉट गेट पीएसयू रिमेंबर पी एस यू का रिक्वायरमेंट क्या होता है आपको लास्ट फाइनल ईयर में होना है या फिर पासड आउट होना है मतलब जो लोग सेकेंड ईयर में है मीनिंग इज दोज हुर इन सेकेंड ईयर दे आर गेट रैंक ऑफ फाइनल ईयर विल बी एलिजिबल फॉर पी एस यूज ये बात समझ में आ गई जो भी लोग थर्ड ईयर में एग्जाम लिखने वाले हैं दे कैन नॉट गेट पी एस यूज विद द हेल्प ऑफ दिस रैंक तो अब आपके पास एक ऑप्शन है नाउ यू आर हैविंग अ सिंगल ऑप्शन वट इज दैट फॉर हायर एजुकेशन यस इफ यू आर लुकिंग फॉर एम टेक फ्रॉम आई आई टीज एंड ऑल वट एवर द गेट रैंक वट एवर द गेट स्कोर यू आर गोइंग टू गेट इन थर्ड ईयर यू कैन यूज फॉर हायर एजुकेशन आप हायर एजुकेशन के लिए उस रैंक को यूज उस स्कोर को यूज कर सकते हैं थर्ड ईयर के लिए अब बेटा मैं बहुत प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूं अगर आप 10 घंटा रोज नहीं दे पा रहे हैं इफ यू आर नॉट एबल टू गिव 10 आवर्स पर डे यू कैन नॉट कंप्लीट योर सिलेबस अगर आपने हाल फिलहाल में तैयारी स्टार्ट अगर आप एक साल पहले स्टार्ट कर दिया छह महीना पहले स्टार्ट कर दी बात अलग है बट रिसेंटली इफ यू आर सीरियसली प्रिपेरिंग फॉर गेट एग्जाम गेट 2022 एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गिव 10 आवर्स पर डे यू कैन नॉट कंप्लीट द सिलेबस थॉरोली नाम के लिए तो करना अलग बात है तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं आई एम गिविंग यू एन एडवाइस प्लीज लिसन केयरफुली प्लीज लिसन केयरफुली आप बेसिक सब्जेक्ट पहले करो आर्मोडानिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ईमानदारी से बता रहा हूं बेटा लिसन केयरफुली इफ यू कैन नॉट गिव टेन आवर्स पर डे फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स एंड यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड योर प्रिपरेशन यू कैन नॉट कंप्लीट यूर सिलेबस थोरो तो अब एक वाइज डिसीजन आपको लेना है यू डिवाइड योर सिलेबस इंटू टू पार्ट दिस इज फर्स्ट पार्ट दिस इज योर सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में क्या क्या आने वाला है ध्यान से सुनना बेटा यूल बी हैविंग हीट ट्रांसफर यूल बी हैविंग मशीन डिजाइन टॉम एंड वाइब्रेशन एक छोटा सा हाइड्रोलिक मशीन भी रहेगा इधर आई एंड ओ आर मैन्यूफैक्चरिंग मतलब ये बहुत छोटा है लिसन केयरफुल बेटा पांच छह सब्जेक्ट बोल लो जो बोलना है वो बोल लो बिफोर बिफोर गेट 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू फेब बाय बाई जैन यू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स अप टू जेन फैव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यू फोकस ऑन दी सब्जेक्ट आपको मैं प्रायरिटी बता रहा हूं आई एम गिविंग यू द प्रायरिटी कैसे रिप्रेजेंट होती है अगर आप देखोगे तो इनका वेटेज कम नहीं है मैं बता देता हूं सिक्स 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 ऑलमोस्ट एटीन मार्क्स ऑलमोस्टी एट एंडकोर्स दिस इज अनदर ट्वेंटी सिक्स मार्क्स फिफ्टी सिक्स मार्क्स अप्रोक्सीमेटली यहां है फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी एट मान लो यहां है आपके पास अरे क्यों लालच करना है सर नहीं नहीं मैं पूरा सिलेबस करके जाऊंगा बेटा गेट ऐसा एग्जाम नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कवर करना है आपको मार्क्स भी तो लाने तो जो लोग अभी सेकंड ईयर में हैं जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है एंड कैन नॉट कंप्लीट अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सर मेरा कंप्लीट नहीं होने वाला सिलेबस यू मस्ट कम टू नो टिल नाउ यू मस्ट हैव कम टू नो सर जिस हिसाब से मेरे कॉलेज चल रहे हैं जिस हिसाब से एग्जाम आ रहे हैं जिस हिसाब से मुझे असाइनमेंट करना है आई कैन नॉट गिव गिफ्ट आवर्स पर डे सर आप मुझे प्रैक्टिकली बता दो कितने सब्जेक्ट में अभी गेट दो हज़ार बाईस के लिए बहुत अच्छे से कर लूँ बेटा ये सेवन सब्जेक्ट्स आप कर लो ये सेवन सब्जेक्ट्स आप हंड्रेड परसेंट आप कर लो इस पर पूरा फुल कमांड कर लो फ्टर गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वी विल बी फोकसिंग ऑन दीज रिमेनिंग फाइव सिक्स सब्जेक्ट्स बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है यहाँ तक क्लियर है अब सुनना ध्यान से अब मैं आपको एक कैच बताता हूँ नाउ आई विल बी टेलिंग यू वन कैच सर क्या अगर मैं ये छप्पन अट्ठावन फिफ्टी एट मार्क्स की प्रिपरेशन करूँ तो क्या मेरी मैकेनिकल में अच्छी रैंक आ जाएगी बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है बट रिमेंबर यू आर नॉट गोइंग टू राइट ओनली मैकेनिकल यू आर गोइंग टू राइट मैकेनिकल प्लस एक्सी आप सिर्फ मैकेनिकल नहीं लिखने वाले हो आप मैकेनिकल प्लस एक्सी लिखने वाले हो और यस yes, अगर आप इस ब्लॉक को अच्छे से कर लेते हो इट इज क्वाइट पॉसिबल यू विल बी गेटिंग रैंक वन इन एक्सी थाउजेंड गेट स्कोर इन एक्सी और उससे आप जिस कॉलेज में जाओ वहां पर एडमिशन ले सकते हो आई टी बॉम्बे आईसी बैंगलोर आई आई टी मद्रासबे तक घुस चुके हैं लोग आई एंड बात समझ में आ रही है स्कोर से तो वैसे भी आपको पीएसयू नहीं मिल सकता तो आप हड़बड़ी में क्यों हो वाई आर यू इंटेंसन आप इतना परेशानी में क्यों हो सर मैं आधा ये पढ़ दाऊँ आधा वो पढ़ता हूँ आधा वो पढ़ दाऊँ इससे कुछ नहीं होने वाला पढ़ो पूरा पढ़ो सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करो सेवन सब्जेक्ट्स देखो जितना आपके पास टाइम है अगर हर दिन आप पाँच छः घंटा ही दे पा रहे हो यू विल बी एबल टू जस्टिफाई दीज सेवन सब्जेक्ट्स ओनली अगर आपने हाल फिलहाल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है इफ़ रिसेंटली यू हैव स्टार्टेड बहुत पहले कर दी तो बात अलग है अगर आपके ऑलरेडी चार पांच सब्जेक्ट हो चुके हैं देन देर इज नो प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस यू गो फुल्लेजेड फॉर द होल सिलेबस लेकिन देर आर सो मेनी नेगी सोल्जर्स हु जस्ट स्टार्टेड एक महीना पहले आज कल रिसेंटली स्टार्ट किया है प्रिपरेशन इफ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन रिसेंटली गो फॉर दिस गो फॉर दिस